ओके सो वी विल बी डिस्कसिंग द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. Of chapter that is जो आपका chapter 4 है shorting materials into groups. ठीक है, shorting materials into groups आपका ये chapter है. इसको आप screenshot से भी लिख सकते हो या फिर ये आपका video जब जाएगा उससे भी लिख सकते हो. ठीक है, और आपका PDF form में भी ये आपका आज नहीं नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली क्या क्या करेंगे या किसी दिन क्या करेंगे आपको ये सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, लिस्ट फाइव मटेरियल, नेम वन थिंग मेड अप ऑफ ईच. तो पहला हो गया स्टील, कोई एक ही मटेरियल लिखना है, इतना नहीं लिखना है. स्टील में नाइफ लिख दीजिएगा, वुड में चेयर लिख दीजिएगा, कॉटन में क्लोथ लिख दीजिएगा, लेदर में शूज लिख दीजिएगा, पेपर से बुक लिख दीजिएगा. तो ये बस एक एक ही लिखना है, इतना नहीं लिखना है. ये पार्ट को कट कर दीजिए. ठीक है, तो बस इतना ही लिख दीजिएगा. वन वन, स्टील, नाइफ, वुड, चेयर, कॉटन क्लोथ, लेदर शूज, पेपर का बुक. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. सेकेंड आपका हो जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट आर मैटर एंड टू आर दैट आर नॉट. तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसका मास हो, उसे हम क्या करते हैं, मैटर बोलते हैं. और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, वॉटर एंड एयर आर मैटर, फीलिंग एंड साउंड आर नॉट मैटर. ठीक है, आप जो बोलते हो, आप जो फील करते हो, ठीक है, जब आप रोते हो, तो ये सब चीज मैटर में नहीं आता है, क्योंकि ये सब ना ही स्पेस लेता है ना ही मास होता है ये सब का. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका. थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, इन व्हाट वेज ऑल मैटर अलाइक, किस मैटर में. तो दो चीज होता है, ऑल मैटर्स आर अलाइक इन द फॉलोइंग वेज, दैट इज ऑल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम, एंड ऑल मैटर हैव मास दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग बैलेंसिंग स्केल. सो यहाँ लिखना है इन दिस थर्ड नंबर दैट इन व्हाट वेज इज मैटर अलाइक, बस इतना, ऑल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, बस स्पेस तक, ये नहीं लिखना है. ठीक है, एंड ऑल मैटर हैव मास, बस ये, इसके आगे एक्स्ट्रा नहीं. All matter occupies space and all matter has mass. बस यही दो लिखना है. ठीक है, simple and short answer. ज़्यादा बड़ा नहीं. All matters alike in the following ways. पहला, that all matter occupies space and दूसरा, all matter has mass. बस इतना ही answer. Okay, not enough, not more than this. उसके बाद हम लोग आते हैं fourth में. What is difference between element and compound? So, element and compound. ये आपका. The smallest particle of an element is called an atom and the smallest particle of a compound is called molecule. Like this example ho gaya, example of likh sakte ho, the smallest particle of iron is an atom of iron and the smallest constituents of water is a water molecule. Theek hai, jo iska bana hua hai. To example aap likh bhi sakte ho ya nahi bhi likh sakte ho, example is not important, but element or compound ka aap ye definition likh sakte ho. Agar example aapko yaad ho jaye तो आप लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद हो, नहीं हो, छोड़ दीजिएगा. बस एलिमेंट और कंपाउंड का ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ये बस कर लीजिएगा. ठीक है, आपको जो ये डिफरेंस दिख रहा है दोनों के बीच में, ये बस लिख दीजिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब. सो चलिए नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन है, मेटल्स आर लस्टरस बट एन आयरन रॉड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन डू नॉट शाइन. ठीक है, बोला जाता है कि मेटल जो है वो शाइन करता है, लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन करना, लेकिन जो आयरन रॉड हम लोग यूज करते हैं वो शाइन क्यों नहीं करता है. तो इसका आंसर होगा कि व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड वाटर इट रस्ट एंड द सर्फेस लूजेज इट्स लस्टरस अपीयरेंस. ठीक है, एज अ रिजल्ट उसके बाद ये क्वेश्चन आपका हो गया. ठीक है, तो यहाँ तक ही इसका आंसर होगा, ये आपको नहीं लिखना है, ये आप नहीं लिखिएगा, ये नहीं लिखना है, टिल देयर ओनली. ठीक है, यहां तक आप ले सकते हो. दैट व्हेन आयरन कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड वाटर इट रस्ट एंड द सर्फेस लूजेस इट्स लस्टरस अपीयरेंस, एज अ रिजल्ट एन आयरन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन डू नॉट शाइन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक translucent. So one can make paper translucent by spreading few drops of oil. Till there only. ठीक है, one can make
अ पेपर ट्रांसल्यूशेंट बाय स्प्रेडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन इट. ये आप घर पे भी कर सकते हो. पेपर में आप देखोगे जब लाइट पास करोगे तो आप उतना लाइट नहीं जाएगा, उसको क्या करो कुछ ड्रॉप तेल का वहां पर डाल दो, ऑयल का डाल दो, देखोगे वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, उससे हल्का हल्का लाइट पास करने लगेगा. ठीक है, तो ये सिर्फ बस इतना फर्स्ट लाइन इतना ही, ठीक है, बस ये सब नहीं. ठीक है, तो वी कैन मेक पेपर ट्रांसल्यूसेंट बाय स्प्रेडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन इट. चलिए नेक्स्ट. There are 118 different kinds of atoms, but millions of compounds. Why? ठीक है, इसको explain करना है क्यों ऐसा होता है. तो इसका simple reason है ये कि there are 118 different kind of element, but different kind of compound. Because two element, two or more element join together to form compound. Simple answer. Like hydrogen और oxygen दोनों मिला, इससे आपको कितना चीज बन सकता है, hydroxide बन सकता है, water बन सकता है. ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं. इसी चलते 118 एलिमेंट्स तो होते हैं, 18 एटम्स होते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं. तो आपका यहाँ तक ही बस ये आंसर होगा. ओके, सो यहाँ तक.